और बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर पौड़ी कोटद्वार पिछले 3 दिनों से भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान दुगड्डा आमसौण से कोटद्वार तक पहाड़ियों के रास्ते लोग पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे और JCB मशीन की सहायता से प्रशासन ने पहाड़ को काटकर मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है, अगर दोबारा बारिश होती है तो फिर से भूस्खलन से आवाजाही बंद होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट।